एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई एंड एयरफोर्स एक्स वाई के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परीक्षा पर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम प्राइस में है। तो जाके आप परचेज़ करो। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, परचेज़ करते वक्त कोड का ऑप्शन आएगा, तो ये कोड यूज़ करना। जो भी उसका प्राइस है उसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज़ ये है वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 1, 2 और 3 अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे चेक करना या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको लिंक्स मिल जाएंगी। बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जरूर देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आज फिर से मैं आपको लगातार 3 वीडियोस दूंगा, तो ये है आज की पहली वीडियो और इस सीरीज की वीडियो नंबर 4 पहला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि मैं वीडियो में पूछूंगा, उसका जवाब लगभग बहुत ही कम लोगों को आता होगा, तो देखते हैं वो जवाब कौन दे पाता है। पहला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, काल्पनिक व सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्र की वह विशेषता आपको बतानी है जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके, क्या कहलाती है? तो नेत्र की जो वह विशेषता है गाइज, वह कहलाती है नेत्र की समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो लगभग सभी को पता होगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, तरंगों के व्यतिकरण की घटना में, देखो सारे ऐसे क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं तभी आप जवाब दे पाओगे। तरंगों के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का क्षय होता है या फिर ऊर्जा का लाभ होता है? ऊर्जा का ना तो क्षय होता है और ना लाभ होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, या फिर ऊर्जा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखो, तरंगों के व्यतिकरण एक चैप्टर है पूरा व्यतिकरण का, तो तरंगों के व्यतिकरण में ऊर्जा का ना तो क्षय होता है और ना ही लाभ होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह घटना क्या कहलाती है? समझो पहले क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति है वो निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, वो आपकी ध्रुवण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले थे। लक्ष्य किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है या फिर लक्ष्य किसका मात्रक है? प्रदीप्त का, ज्योति फ्लक्स का, दक्षता का या फिर ज्योति तीव्रता का? तो सही क्वेश्चन है, चलो कमेंट बॉक्स में जवाब दो। किसको पता है 6 का ए बी सी डी जो भी है आप बताइए। तो लक्ष्य जिसका मात्रक है गाइज वो है आप का प्रदीप्त, प्रदीप्त का मात्रक है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा? अब में लगभग सभी को पता होगा ऊर्जा मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी? तो ये की थी मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, रेडियो सक्रियता की घटना जुड़ी है नाभिक के क्षय से, विखंडन से, इनमें से कोई नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन की क्षय से? तो देखो ये भी सही क्वेश्चन है, और रेडियो सक्रियता की जो घटना है वो आपकी नाभिक के क्षय से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई? देखो यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इनमें से कौन सा कण अस्थाई है? तो गाइस जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो अस्थाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, परम शून्य ताप पर, देखो परम शून्य ताप पर पूछा गया कि जो अर्धचालक है वो कैसा व्यवहार करता है? तो देखो अर्धचालक की तरह ही व्यवहार करेगा, लेकिन अर्धचालक आपका परम शून्य ताप पर पूर्ण चालक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी सही क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, डाइन सेकंड, देखो डाइन एक मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डाइन सेकंड किसका मात्रक होता है? तो डाइन सेकंड आपका बल, आवेग, ऊर्जा या फिर शक्ति का? तो करेक्ट जवाब है इसका आवेग का, डाइन सेकंड आपका आवेग का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के किस कोण पर होता है? देखो दो सदिश हैं, उनका अगर आप सदिश गुणनफल करते हो तो दोनों सदिशों से किस कोण पर होता है? तो वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता, देखो वेग और समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो आपका त्वरण का ग्राफ होता है, तो किसका परिमाण देती है? वो त्वरण का परिमाण देती है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना, वेग और समय ग्राफ की प्रवणता।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि है। देखो ये आपको छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, आंसर बताने के बाद आपको लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप चलो अच्छा आप जवाब दो, किसी भी पिंड पर बल जो है वो समरूप लग रहा है तो उस पर क्या स्थिर रहेगा, गतिज ऊर्जा, संवेग, या फिर वेग, या फिर त्वरण। तो इसका करेक्ट जवाब है गैस त्वरण। देखो बल लगाने से त्वरण बढ़, त्वरण की जो वैल्यू है कम ज़्यादा होती है, लेकिन समरूप बल है ना, समरूप बल है तो जो उसका त्वरण होगा वो स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रक्षेप गति में कोटिपूरक कोणों के योग में 36 परास होता है। प्रक्षेप गति में कोटिपूरक कोणों के योग में जो 36 परास होता है वो समान होता है, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी एक समान वृत्ति गति में, कैसी वृत्ति गति है, एक समान वृत्ति गति है। अब उसमें आपको ये ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। सबसे पहले एक समान वृत्ति गति में वेग एवं त्वरण दोनों नियत रहते हैं, या फिर त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं किंतु वेग परिवर्तित होते रहते हैं, या फिर त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं, या फिर त्वरण एवं चाल दोनों नियत रहते हैं। तो किसी एक समान वृत्ति गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी सही क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है म्यू एस अपान म्यू के का मान होता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपका न्यूमेरिकल्स में काम आता है, तो म्यू एस अपान म्यू के का जो मान होता है वो एक से अधिक होता है, तो करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी सही क्वेश्चन है, एक वस्तु एक वृत्त में नियत चाल से घूम रही है। कैसे चाल से, नियत चाल से। यदि वस्तु पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो एफ है, तब इस बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, इतना सब कुछ आपको बताया गया। अब पूछा ये गया है कि जो इस पर किया गया कार्य शून्य है वो कभी कभी शून्य होगा, या बहुत मान लो ज़्यादा टाइम पे शून्य होगा, या फिर कभी नहीं, या फिर हमेशा शून्य रहेगा। तो देखो एक एक वस्तु एक वृत्त में नियत चाल से अगर घूम रही है और उस पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो कैपिटल एफ है, तो इस बल द्वारा वस्तु पर जो कार्य किया जाएगा वो हमेशा शून्य रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, साधारणता प्रत्यावस्थांक गुणांक कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का मान कितना होता है। तो ये भी एग्जाम न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये हमेशा एक से कम होता है, हमेशा नहीं, ये एक से कम होता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमेशा एक से अधिक, हमेशा एक के बराबर, एक से कम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हमेशा एक से कम होता है, ठीक है, हमेशा हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से अधिक, एक से बराबर, ये दोनों गलत हो जाएंगे, और हमेशा एक से कम होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, जो आपका कार्नो इंजन होती है उसकी जो दक्षता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो स्रोत तथा सिंक के टेम्परेचर पर, तापों पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र ऐसे स्थान पर होता है जहाँ, वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र ऐसे स्थान पर होता है जहाँ कोई द्रव्यमान निहित नहीं करता है, समझ रहा, यहाँ कोई द्रव्यमान निहित नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केवल केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, वह ऐसी भौतिक राशि का आपको नाम बताना है जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तभी आप जवाब दे पाओगे, तो वो भौतिक राशि है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था, और मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर चेक करना कि आप में से कितने लोग जवाब देते हो। जल्दी से बताओ, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को पहला क्वेश्चन है, डिनोट किससे करते हैं, कोई सिंबल है उस वो बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू, जो मान है ना, वैल्यू कितनी होती है ये बताओ। तीसरा क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है, दो पिंडों के द्रव्य की प्रगति पर, दो पिंडों के स्थित कुल ऊर्जा पर, दो पिंडों पर आरोपित त्वरण पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इन तीन क्वेश्चन के आपको जवाब देना है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को डिनोट किससे करते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, और ये किस पर निर्भर करता है।
ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, जवाब लिखिए आराम से। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका सर्वोत्तरी गुति नियतांक होता है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, याद आया, कैपिटल जी से। और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 6.67 × 10^-11। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। और अगर बात करें कि ये किस पर निर्भर होता है, तो गाइज ये एक इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये द्रव्यमान वेग त्वरण किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान निर्भर करता है उपयुक्त में से कोई नहीं, और मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों, क्योंकि किसी पर भी निर्भर नहीं करता, ना दो पिंडों के द्रव्य की प्रकृति पर, स्थित कुल ऊर्जा पर, आरोपित त्वरण पर, वेग पर, द्रव्यमान पर, दूरी पर, किसी पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पर, ताप वृद्धि के साथ जो प्रत्यास्था का मान होता है वो कैसा होता है, बढ़ता है या घटता है। तो ताप अगर बढ़ेगा तो प्रत्यास्था का मान घटेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको समझ आए होंगे। एग्जाम टाइम है, अगर एग्जाम से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन देता, 1 से 2 महीने पहले मैं क्वेश्चन देता, तो हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल बताता, जिससे आपको ज़्यादा तैयार होता। बाकी एग्जाम टाइम है तो सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए, तो तैयार करते जाना। सेकेंड वीडियो अभी कुछ देर में आ जाएगी, तो ज़रूर देखना और सपोर्ट करना, शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर।